الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، ذکر چل رہا تھا کہ نماز میں تعدیل ارکان کیوں ضروری ہے، اور اگر ہم نے نماز کے اس حق کی اور اس رکن کی پابندی نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کا نتیجہ اور اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور لاپرواہی کی صورت میں نماز ادا کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی نماز رد کر دی جاتی ہے بلکہ مزید اللہ رب العزت نے جہنم کی سزا کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس تعلق سے آپ سے گفتگو کی گئی تھی۔ نماز کا ایک اور بنیادی حق اور ایک لازمی چیز اور ضروری چیز یہ بھی ہے کہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں اس دوران اللہ رب العزت کی عظمت، اس کے جاہ و جلال کا احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر اور سلام پھیرنے تک، پوری نماز اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کی بزرگی پر مشتمل ہے۔ بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے اور میں ادنا درجے کا انسان ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، ساری عظمت اور بڑائی اور کبریائی اگر کسی کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ صرف تیری ذات کے لیے ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العلا کہتے ہیں، تشہد میں جو کچھ پڑھتے ہیں سب کس لیے ہے؟ کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے عاجزی انکساری اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے دوران کس کے سامنے کھڑے، اور یہ شعور اور احساس جس قدر بندے کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر مضبوط ہوگا اسی قدر نماز کے اندر یہ احساس زیادہ ہوگا، اور جس قدر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوگا
उसी कदर नमाज के अंदर ये एहसास कम होगा। इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो ये हमें एहसास होना चाहिए कि हम किसके सामने खड़े हैं, किस जात और हस्ती की इबादत करने के लिए हम आए हैं। इसलिए दुनियाओं माफिया से बिल्कुल बेखबर हो जाना चाहिए। हमारा दिल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैबत, उसके खौफ, उसकी अजमत से मामूर होना चाहिए। और जो दुनियावी मामलात हैं इतनी मुद्दत के लिए, इतनी देर के लिए, सारे के सारे पीछे छोड़ दिए जाने चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए हैं। कितनी ही आप खुशू और खुजू की नमाज में कोशिश कर लें, दिल को हाजिर करने की कोशिश करें, लेकिन आपका दिल हाजिर नहीं होगा। और दिल तो छोड़ दीजिए, हमारा जिस्म भी हाजिर नहीं होगा अगर हमें यह एहसास ना हो कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े हुए हैं, उसके सामने रुकू कर रहे हैं, झुक रहे हैं, उसी के सामने सजदा कर रहे हैं। जब तक ये एहसास नहीं होगा तब तक हमारी नमाज में खुशू और खुजू, जो नमाज की रूह है, वो मुकम्मल नहीं होगा। आज आपसे इसी सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करनी है सारी इंसानियत के लिए। अगर कोई हस्ती हमारे असलाफ में सारे इंसानों के लिए, अगर कोई जात, कोई हस्ती आइडियल हो सकती है, बेहतरीन नमूना अगर हमारे लिए हो सकती है, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें यह देखना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से नमाज अदा करते थे। नमाज पढ़ने के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और कैफियत क्या हुआ करती थी, आपके दिल की क्या हालत हुआ करती थी, आपके जिस्म की क्या हालत हुआ करती थी। इस सिलसिले में मेरे सामने मुतर्रिफ इब्ने अब्दुल्ला अपने वालिद अब्दुल्ला से रिवायत करते हैं, सहाबी रसूल है अब्दुल्ला, काला कहते हैं, अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा युसल्ली वले जौफिही अजीजुन का अजीज अलमिरजल यानी यबकी। सुनन अबी दाऊद की यह रिवायत है और सही हदीस है। तो अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे थे। कैसे नमाज पढ़ रहे थे, क्या कैफियत थी आपके नमाज पढ़ने की? कहते हैं वले जौफिही अजीज उनका अजीज अलमिरजल, और बाज रिवायत के अल्फाज हैं वफी सदरही अजीज उनका अजीज रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज आ रही थी, और वो आवाज कैसी थी? काजीज अलमिरजल, हांडी की आवाज की तरह से। हांडी में जो चीज पक रही हो या हांडी में जो चीज उबल रही हो, उस वक्त हांडी में कुछ आवाज पैदा होती है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में आवाज पैदा हो रही थी। और बाज रिवायत के अल्फाज हैं काजीज रहा, चक्की चलाने के वक्त जो आवाज निकलती है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में आवाज पैदा हो रही थी। और बाज रिवायात में इसकी तशरीह भी मौजूद है, कहते हैं यानी यब की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान रो रहे थे। रोने की वजह से ये आवाज आपके सीने से और अंदर से निकल रही थी। किस लिए रो रहे थे? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हस्ती के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, नमाज के अंदर बहुत कुछ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत और उसकी किबरियाई और उसकी हमदो सना बयान कर रहे हैं। ये कैफियत, ये हालत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशू और खुजू की। नमाज के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत, ये कैफियत हुआ करती थी। और कुरान की बहुत सारी आयत मौजूद है जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक और शरीफ बंदों की यह सिफात बयान फरमाई है,
कि नमाज पढ़ने के दौरान उनकी क्या कैफियत होती है, क्या हालत होती है, कुरान जब सुनते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। कहा इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदा व बुकिया। ये अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह रहमान की आयात जब उनके सामने तिलावत की जाती है तो गिर गिराते हुए, सजदा करते हुए गिर पड़ते हैं। नमाज के अंदर उनकी यह कैफियत होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों की यह तारीफ बयान फरमाई है। और मेरे सामने हजरत अली की एक रिवायत है, कहते हैं काला मा काना फीना फारिसुन यौम बद्रिन गैर अल मिक्दाद इब्न अल अस्वद। ग़ज़वा बद्र का नाम हम बार बार सुनते रहते हैं। कुफार मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान ये इंतहाई कह लीजिए इब्तदाई जंग थी, लेकिन मुट्ठी भर मुसलमान थे कुफार की तादाद के मुकाबले में। दोनों तरफ से जंगी तैयारी का कोई मुकाबला नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी हो सकता था, जो भी साजो सामान जंग करने के लिए लड़ने के लिए मैसर और दस्तयाब हुआ, आपने मुकम्मल तैयारी की। इससे यह बात मालूम होती है कि सिर्फ ईमान काफी नहीं है लड़ने के लिए। जो भी मैसर हो सकता था अल्लाह के रसूल ने सारी तैयारी की। उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में आप खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो वाकया जिक्र किया है रावी ने, कहते हैं हमारे लोगों के दरमियान एक घुड़सवार के अलावा कोई घुड़सवार लड़ने वाला नहीं था। आप सोचेंगे कि एक घुड़सवार क्या करेगा, जहां दूसरी तरफ बहुत सारे घुड़सवार हो लड़ने के लिए और मुसलमानों की फौज में सिर्फ एक घुड़सवार हो तो उससे क्या हो सकता है। बहरहाल कहते हैं एक ही घुड़सवार था। वलकद रायतुना वमा फीना कायमुन इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस रात को सारे लोग सो रहे थे, कोई बेदार नहीं था। कहते हैं कि मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हैं, जागे हुए। क्या कर रहे हैं? तहता शजरतिन युसल्ली व यबकी हत्ता असबह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे थे, रात में उठकर नमाज पढ़ रहे थे दरख्त के नीचे, और नमाज पढ़ते हुए आप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। और कब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज अदा की है? यहां तक कि फज्र की नमाज का वक्त हो गया। फज्र की नमाज के वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी रखी। और आपके जो अल्फाज नकल किए जाते हैं सीरत की किताबों में, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेबसी का इजहार फरमाया था अल्लाह के सामने, किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई कुफार और मुशरिकीन के जरिए से, तो तेरी इस रूह जमीन पर इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रात, ये वक्त इबादत में गुजारा, और इबादत भी खुशू और खुजू के साथ गुजारी है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए गुजारी है। ये कैफियत, ये हालत हमारी भी इबादत के वक्त होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और कैफियत हुआ करती थी नमाज के वक्त। आइए एक और जलील कद्र खलीफा राशिद है हजरत अली इब्न अबी तालिब, इनके सिलसिले में रावी जिक्र करते हैं कि नमाज के वक्त इनकी क्या कैफियत हुआ करती थी। कहते हैं इज़ा हज़रत सलात यतज़लज़लु व यतलवनु वज्हुहु। हजरत अली के सिलसिले में कहा जाता है कि जब नमाज का वक्त करीब आता था तो उनकी कैफियत क्या होती थी, यतज़लज़लु, उनका वजूद, उनका जिस्म लरज जाता था, हिल जाता था, उस पर खौफ तारी हो जाता था। क्यों खौफ तारी हो जाता था, बात आगे आ रही। वयतलवन वजहु, उनका चेहरा, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता था। फकील लहू, हजरत अली से पूछा गया मालक कि नमाज का वक्त जैसे ही होता है आपके ऊपर ये कैफियत क्यों तारी हो जाती है। इतने खौफ जदा
आप क्यों नजर आते हैं, क्या वजह है? उन्होंने जवाब दिया, काला जा वल्लाह वक्त अमानती नाराज़ अल्लाह वल समावाति वल अर्ज वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलतुहा। जवाब उसका ये है, कहते हैं हजरत अली की अल्लाह की कसम, उस अमानत की अदायगी का वक्त आ गया है जिस अमानत को अल्लाह ताला ने आसमानों के सामने पेश किया था, जमीनों के सामने पेश किया था, पहाड़ों के सामने पेश किया था। बड़ी बड़ी मखलूकात हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह ताला ने इनके सामने ये बात रखी थी कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन उसकी शरीयत पर चलने का बोझ उठा लो, अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करने का बोझ अपने ऊपर तुम उठा लो। ये अमानत अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान और पहाड़ों के सामने पेश की थी, लेकिन वो इस अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हो गए, खौफ ज़दा हो गए, डर गए कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इस अमानत का बोझ किसने उठाया? इंसान ने उठाया है, और इंसानों में से जो सबसे ज्यादा इस बोझ को उठाने के हकदार है और पूरा करने के हकदार है वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हमने नमाज की अदायगी का बोझ उठाया है, हमने ये इकरार किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम इस इबादत को कमा हक्कुहू अदा करेंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? कमा हक्कुहू इसको अदा करना चाहिए, और ये बोझ मामूली नहीं है, ये बोझ समझना चाहिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये दुनिया के दूसरे मामलात में हम उलझे रहते हैं, लेकिन इस अमानत इस जिम्मेदारी को कोई अहमियत नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हजरत अली को इस बात का एहसास था कि अजान होते ही जिस अमानत का बोझ उन्होंने उठाने का इकरार किया है, उस अमानत के बोझ को पूरा करना है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये हजरत अली की हालत और कैफियत थी। तो आप गौर फरमाए कि हम में से कितने लोग हैं कि नमाज के लिए अजान होने के वक्त हमारी ये कैफियत होती है, कोई तब्दीली हमारे जिस्म में होती है, दिल में कोई तब्दीली होती है, कोई खौफ, कोई दहशत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैबत हमारे ऊपर तारी होती है। कितनी नमाजें निकल जाती हैं, कान पर हमारे जूं तक नहीं रेंगती है। मुअज्जिन हैया अलस सलात हैया अलल फलाह कहते कहते दो चार लोग मस्जिद में जो आ जाते हैं उनको नमाज पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई कैफियत, कोई हालत खौफ की तारी होने के लिए नहीं है। क्या वजह है? क्यों आखिर हमारी ये हालत, ये कैफियत नहीं होती? ये सोचने की बात है। ये हजरत अली थे, वो लोग थे जिनकी परवरिश, जिनकी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि नमाज के लिए उनके दिल किस कदर मुश्ताक होते थे, किस कदर तड़पते थे और किस कदर शौक होता था उनके अंदर। आइए इस सिलसिले में मुजाहिद इब्ने जबर, जलीलुल कद्र ताबई है, मशहूर ताबई है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के खास शागिर्द होते हैं, और इनको शेखुल कुर्रा और शेखुल मुफस्सरीन का लकब इनायत किया गया है। सहाबा किस तरीके से नमाज पढ़ते थे उनकी कैफियत बयान की है मुजाहिद इब्न जबर ने। कहते हैं काना इज़ा काम अहदुहुम युसल्ली यहाबुर रहमान अय्यशुद्द बसरहु इला शैर। सहाबा में से, हमारे असलाफ में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता था तो क्या कैफियत होती थी? यहाबुर रहमान, रहमान से डरता था, खौफ खाता था कि वो रहमान के सामने खड़ा हुआ है, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, इसलिए किसी जानिब अपनी निगाह नहीं उठाता था, सिर्फ सामने सजदे की जगह उसकी निगाह रहती थी। ये कैफियत, ये हालत हुआ करती थी। औ यल्तफ या यल्तफिता या किसी दूसरी जानिब इधर उधर देखे ऐसा भी नहीं करता था, अल्लाह ताला के डर और खौफ की वजह से
او یقلب الحصا, یا کنکری اٹھائے سجدے میں جائے اس وقت کنکری وغیرہ اٹھائے اور اس سے کھلواڑ کرے, ایسا بھی نہیں کرتا تھا. او یا بسا بشین, یا کس کوئی لایانی کام کرے نماز کے دوران, ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا. او یحدث نفسہ من شان الدنیا, یا دنیاوی معاملات میں سے کسی بھی معاملے میں اپنے نفس سے گفتگو کرے, دنیا کے خیالات آئے اس کے دل و دماغ میں, ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ وہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, رحمان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. الا ناسیا ما دام فی صلاتی, ہاں کبھی بھول چوک ہو گئی الگ مسئلہ ہے, انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق وہ الگ بات ہو سکتی ہے, لیکن عام حالات میں وہ اللہ تعالیٰ سے نماز کے دوران خوف کھاتا تھا. ما دام فی صلاتی, جب تک وہ نماز کے اندر رہتا تھا. یہ حالت, یہ کیفیت ہوا کرتی تھی نماز پڑھنے والوں کی. کیا آج ہماری بھی یہ حالت, یہ کیفیت ہوتی ہے؟ آئیے ایک اور بزرگ ہستی ہیں, علی ابن حسین, حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے, جن کا لقب ہے زین العابدین, جلیل القدر تابعی ہے, اور بھی ان کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں. علی ابن حسین کے سلسلے میں آتا ہے, وقع حریق فی بیت فیہ علی ابن الحسین, ایک گھر میں آگ لگ گئی اور اس گھر میں علی ابن حسین بھی موجود تھے, نماز پڑھ رہے تھے, سجدے کی حالت میں تھے. وہ ساجد, فجالو یقولون یا ابن رسول اللہ النار, تو لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے یا نواسے یا پر نواسے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ سجدے کی حالت میں ہیں, ہوشیار ہو جائیے. فما رفع راسہ حتی تفلت, جب تک آگ بجھ نہ گئی اس وقت تک انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ان کو کوئی خوف, کوئی خطرہ, کوئی خدشہ محسوس نہیں ہوا اس آگ سے, اتنے نماز میں مصروف تھے. فقیل لہ فی ذلک, جب لوگوں نے اعتراض کیا, کہا کہ اتنا خطرناک مسئلہ تھا, گھر میں آگ لگی ہوئی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے, سجدے کی حالت میں تھے, آپ نے نماز شرعاً تو حکم ہے کہ توڑ بھی سکتے ہیں, نماز کیوں نہیں توڑی, اس طرف کیوں نہیں توجہ دی؟ آئیے سنیے, کہتے ہیں, فقال الحتنی انہا النار الاخرى, دنیا کی جو آگ ہے, کہا مجھے دوسری آگ نے اس سے غافل کر دیا تھا. تو دوسری آگ کیا ہے؟ آخرت کی, جہنم کی آگ. جہنم کی آگ نے اس دنیا کی آگ سے مجھے لاپرواہ کر دیا, مجھے اس کا دھیان نہیں رہا. میں تو اللہ رب العزت کے جہنم کے سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ اس سے کیسے بچا جائے, اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. تو یہ حالت, یہ کیفیت تھی لوگوں کی نماز پڑھنے کی. وقت کم ہے, میں ایک اور حادثہ اور ایک واقعہ سرسری طور سے ذکر کیے دیتا ہوں. جلیل القدر تابعی ہے بھی, عروہ ابن زبیر, مدینے کے جو سات شریعت کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان میں سے ایک عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ بھی ہے. ان کے والد زبیر ابن العوام, جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی, والدہ ان کی ہے اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی ان کی والدہ ہے, اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ ہے. آپ سوچئے اتنا اونچا مقام ہے ان کا, جلیل القدر تابعی ہے عروہ ابن زبیر. حاکم وقت نے, ولید ابن عبد الملک نے عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ کو اپنی زیارت کے لیے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ ہماری زیارت کیجئے, ہمارے یہاں تشریف لائیے. اس وقت کا دار الخلافہ دمشق تھا شام کے اندر. عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ مدینے سے دمشق سفر شروع کیا انہوں نے, لیکن سفر کی ابتدا ہی میں ایک خطرناک بیماری ان کے پیر کو لگ جاتی ہے.
और वो खतरनाक बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि वो दिन ब दिन पैर में ऊपर तक बढ़ती रही, यहां तक के जब दिमश्क आप पहुंचे तो आपका आधा पैर, निस्व पिंडली तक वो पैर आपका खराब हो चुका था, इतनी तेजी से वो बीमारी जिस्म में सरायत कर रही थी। और अंदेशा ये था कि अगर ऐसे ही हालत उनकी रहे तो पूरा पैर खराब हो सकता है, और पैर ही नहीं पूरा जिस्म भी खराब हो सकता है। बहरहाल इसी हालत इसी कैफियत में वहां पहुंच जाते हैं, दिमश्क पहुंचते हैं, खलीफे वक्त के पास हाजिर होते हैं। हालत उनकी इंतहाई नाजुक नजर आती है। वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने उस वक्त के जो सबसे बड़े डॉक्टर हो सकते थे, हकीम हो सकते थे, सारे लोगों को इकट्ठा किया और सारे लोगों से मशवरा किया कि क्या किया जाना चाहिए, कैसे इलाज किया जाना चाहिए इनका। बुजुर्ग हस्ती है मदीने की। बहरहाल सारे डॉक्टर्स ने या हकीमों ने उस वक्त यही तय किया कि जहां तक इनका पैर खराब हो चुका है वहां तक इनका पैर काट दिया जाना जरूरी है। अगर इनका पैर नहीं काटा गया तो ऐसी सूरत में पूरा पैर पूरी टांग खराब हो सकती है, बल्कि इससे भी बढ़कर पूरा जिस्म खराब हो सकता है, सड़ सकता है। हकीमों ने यह तय किया कि अब इनका पैर काटा जाना है। बहरहाल यह फैसला तय हो गया कि इनका पैर काटा जाएगा। लेकिन अब मसला यह कि काटेंगे कैसे, कि कौन सी ऐसी तदबीर इख्तियार की जाए कि इनको बेहोश किया जाए। उर्वा इब्न जुबैर से हकीमों ने कहा कि इसके लिए आपको एक गिलास शराब पीनी होगी ताकि आपका शऊर खत्म हो जाए, आप नशे की हालत में हो जाए, उसी सूरत में आपका पैर काटा जा सकता है। उर्वा इब्न जुबैर ने इनकार कर दिया, कहा कि यह नहीं हो सकता है कि जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में साफ साफ हराम करार दिया हो मैं ऐसी कोई चीज अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। बहरहाल हकीमों ने पूछा कि फिर आखिर क्या किया जाए, आपका इलाज और मुआलजा तो जरूरी है और उसका आखिरी इलाज यही है कि आपका पैर काटा जाएगा। उर्वा इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मशवरा दिया कि अगर आपको यही फैसला किया हुआ है आपने यही इलाज करना है। कहा अम हिलूनी हत्ता अदखुल फी सलाती, मुझे मोहलत दे दो, मुझे मौका इतना मौका दो कि मैं नमाज में दाखिल हो जाऊं, नमाज पढ़ने लग जाऊं। अम हिलूनी हत्ता अदखुल फी सलाती, फलम्मा दखल फी सलाती वह साजिदुन कताऊ रिजला हो, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और सजदे में गए, सजदे की हालत में हकीमों ने डॉक्टरों ने उनका पैर जहां से काटना था उनका पैर काट दिया गया। फलम युहस्सा बिहा, और उनको इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ कि उनका पैर काट दिया गया। क्यों? लिअन्ना कल्बहु मुनशगिलुन मअल्लाहि तआला, इसलिए कि उनका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ था, उसकी जनाब में था, उसकी इबादत में था। ये वो लोग थे जिनकी नमाजों में इतना खुशू और खुजू हुआ करता था, नमाज शुरू करने के बाद दुनिया माफिया से गाफिल हो जाया करते थे, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज की जानिब उनकी तवज्जो होती थी तो वो इबादत की जानिब होती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब होती थी। ये खुशू और खुजू था उनकी नमाज का, उनकी नमाजों की यह हालत थी। पैर कटने के बाद खलीफे वक्त ने उनको ताजियती कलमात कहे, अहसन अल्लाह वज़ाका फी रिज़लिका, कि आप तो मेहमान की हैसियत से हमारे यहां आए थे लेकिन इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, इसलिए ताजियती पैगाम खलीफे वक्त ने उनको दिया। और अफसोस की बात यह है उसी मौके से जो उनका एक चहीता बेटा था जिसको सफर में अपने साथ ले गए थे वो खलीफा के घोसाल में दाखिल हुआ और
घोड़े ने उसको रौंद दिया और वहीं उसकी वफात हो गई। एक दूसरी मुसीबत थी उनके साथ, खलीफे वक्त ने उस बेटे के ताल्लुक से भी ताजियती कलिमात कहे उर्वा इब्ने जुबैर के सिलसिले में। आइए सुनिए उर्वा ने क्या कहा था। फकाल उर्वा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह ताला हर हाल में तेरा शुक्र और एहसान है, तूने मुझे चार हाथ पैर अता फरमाए थे, उनमें से सिर्फ तूने एक लिया है, तीन मेरे अभी बाकी है, इस पर भी मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। और तूने मुझे सात बेटे अता फरमाए थे, उनमें से एक बेटा लिया है, अगर तू चाहे तो सारी अमानत ले सकता है, ये सब तेरी अमानत है, लेकिन इस पर भी मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, इस पर भी सब्र करता हूं। यह थी उनकी नमाज, यह था उनका सब्र, यह था उनका शुक्र। जो हमसे पहले गुजरे हैं उनकी हालत यह कैफियत हुआ करती थी नमाज की हालत में, कि नमाज में दाखिल होने के बाद सारी चीजें भूल जाया करते थे। लेकिन हमारी हालत क्या है? कौम मिन हैसुल कौम, अगर मैं कहूं हमारा मिजाज ही तब्दील हो चुका है। सारी चीजें अगर हमें कहीं याद आती हैं तो वो कहां याद आती है? वो नमाज में याद आती है, मस्जिद में आने के बाद याद आती है, बाहर हम जिस कारोबार में भी लगे हुए हो, जो काम भी कर रहे हो, बड़ी तवज्जो से करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, किसी जानिब हमारी तवज्जो नहीं जाती है, लेकिन नमाज में आने के बाद दुनिया के सारे ख्यालात, सारे वसवसे, सारी चीजें हमें कहां याद आती है? मस्जिद में आकर नमाज के दौरान याद आती है। और इस मौके से किसी ने एक लतीफा लिखा है जिससे हमारी हकीकत का इल्म होता है कि हम हैं कहां, हमारी हकीकत क्या है। लतीफा यह है कि किसी मुरीद की चाबी गुम हो गई, संदूक की चाबी खो गई, अब उसको वो चाबी नहीं मिल रही थी, परेशान था, दौड़ा दौड़ा अपने पीर साहब के पास गया और अपने पीर से जाकर कहा कि पीर साहब मेरी बहुत जरूरी चाबी थी, वो गुम हो गई है, संदूक में बहुत कीमती कागजात वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, मिल नहीं रही है, मैं बहुत परेशान हूं, इसका कोई हल तजवीज फरमाइए। तो पीर साहब ने जो हल तजवीज फरमाया उनके लिए सुनिए, जो हमारे ख्यालात की अक्कासी करता है। पीर साहब ने कहा कि जाओ दो रकत नमाज पढ़ो तो तुम्हारी चाबी मिल जाएगी, जाओ दो रकत नमाज अदा करो तुम्हारी चाबी मिल जाएगी। कुछ सूझबूझ रखने वाले कुछ और लोग पीर साहब के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने पीर साहब से कहा कि पीर साहब चाबी गुम होने और नमाज पढ़ने से क्या ताल्लुक है? ये चाबी गुम होना एक अलग मसला है, नमाज पढ़ना एक अलग मसला है, दोनों में ताल्लुक क्या है? अगर ये मुरीद अपनी अक्ल इस्तेमाल करता और होशियार होता, लेकिन उमूमन जो मुरीद होते हैं वो अंधभक्त होते हैं, अंधी अकीदत उनको होती है अपने पीरों से, सीधे सीधे आके कहता कि आप तो कहते हैं कि पीर अपने मुरीद के दिल का जासूस होता है, मुरीद के दिल में जो कुछ ख्यालात आते हैं वो भी पीर को मालूम होते हैं, तो कहता सीधे आकर कि आपको तो दिल की बात जब मालूम हो जाती है तो मेरी चाबी कहां रखी हुई है, कहां मैं रख के भूल गया हूं तो बतला दीजिए कहां है वो। लेकिन चूंकि अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हैं मुरीद लोग, बहरहाल पीर साहब ने कहा दो रकत नमाज पढ़ो, कुछ मुरीदों ने एतराज किया, पीर ने जवाब दिया कि जब ये नमाज पढ़ेगा तो सारे ख्यालात नमाज में उसको आएंगे और उसकी चाबी कहां रखी हुई है ये भी उसको याद आ जाएगा नमाज के दौरान। तो हमारी हालत, हमारी कैफियत यही है कि हम नमाज से अलग होते हैं, बाहर होते हैं, जिस काम में भी मशगूल होते हैं उसी पर ध्यान रखते हैं, लेकिन नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं तो सारी दुनिया के ख्यालात
हमारे दिलों दिमाग पर छाए रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि नमाज हो गई या खत्म हो गई, इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी कौन सी नहीं पढ़ी, कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए गुजारिश ये है कि आप मस्जिद में आते हैं तो जितना वक्त है नमाज का उसका सही इस्तेमाल कीजिए, और इतनी देर के लिए दुनिया माफिया से गाफिल हो जाइए। और दुनिया की जो सबसे खतरनाक चीज इस वक्त हमारे पास है वो मोबाइल हमारा है, इतनी देर के लिए मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। बहुत से लोग हैं जो कोई भी मैसेज आता है फौरन मोबाइल निकाल के नमाज खुतबे के दौरान भी देखते रहते हैं, ये भी खबरें मिलती रहती हैं। इसलिए गुजारिश है कि कम से कम इतनी देर के लिए तो हम अल्लाह के लिए हाजिर हों और हमें यह एहसास हो कि हम किसके सामने खड़े हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमाए, और हमें अल्लाह की अजमत और उसकी किबरियाई का एहसास हो, इस एहसास के साथ हमें अल्लाह ताला नमाज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। वह आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।